तो शटलर के बाद अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। 12 साल बाद भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है और ऐसे में इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ताजनगरी में आज वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का प्रमोशन किया गया, यहां वीडियो शूट किया गया। अक्टूबर के महीने में क्रिकेट का महाकुंभ शुरू होने वाला है। 5 अक्टूबर को पहला मैच खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के आयोजन से पहले सभी चीजों को बारीकी से देखा जा रहा है ताकि वर्ल्ड कप का सफल आयोजन किया जा सके। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किसके हाथ जाएगी ये 19 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्ल्ड कप से पहले ताज नगरी आगरा में चमचमाती ट्रॉफी को प्रमोशन के लिए लाया गया। ताजमहल के सामने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का 1 घंटे तक फोटो शूट किया गया। बीसीसीआई की टीम वर्ल्ड कप प्रोमो की शूटिंग के लिए ताजमहल पहुंची थी। गोल्डन और सिल्वर कलर में रंगी इस ट्रॉफी को लंदन की एक कंपनी ने तैयार किया है। ताजमहल के सामने जैसे ही ट्रॉफी की झलक दिखी, वहां पर मौजूद फैंस ट्रॉफी के पास जमा हो गए, उसके साथ सेल्फी खींचने लगे, जिससे फोटो शूट में दिक्कतें होने लगी। बाद में सभी प्रशंसकों को वहां से हटाया गया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को भीड़ पर काबू पाने में पसीने छूट गए। इस ट्रॉफी को भारत के अलग अलग शहरों में घुमाया जा रहा है। ट्रॉफी का ये टूर 4 सितंबर को खत्म होगा। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। 8 अक्टूबर को ये मैच खेला जाएगा। इसके बाद देश भर के क्रिकेट प्रेमियों को 14 अक्टूबर का इंतजार होगा, जिस दिन भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ेंगी। 12 साल बाद भारत में वनडे का वर्ल्ड कप खेला जाना है। इससे पहले 2011 में भारत में वर्ल्ड कप हुआ था और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था। इस बार रोहित शर्मा के हाथों में कमान है। पिछले 10 सालों से भारत के पास आईसीसी की कोई ट्रॉफी नहीं है। 2011 के बाद हुए 2 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर जरूर तय किया था, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे। इस बार भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है, ऐसे में क्रिकेट के फैंस भारत के तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।